फिनलैंड की नेटो में एंट्री के बीच अभी अभी ये खबर आई है कि फिनलैंड की संसद की वेबसाइट पर एक बड़ा अटैक, साइबर अटैक हैकर्स ने किया है। अब ये रूस का निशाना है, रूस ने यहां पर अटैक किया है, इसके पीछे कोई और है, ये आपको अभी जैसे जैसे जानकारी आएगी हम बताएंगे। लेकिन जरा दो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, पीसीआर ये दो तस्वीरें दिखाइए। ये बहुत बड़ी तस्वीर है और बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है। ये तस्वीरें जब आप देखेंगे, इस बीच की एक बहुत बड़ी खबर, 4 अप्रैल 2023 जब फिनलैंड नेटो में शामिल हो रहा है। लेकिन आपको मालूम है आज से ठीक 74 साल पहले आज ही के दिन नेटो भी बना था। देखिए ये मैसेजिंग तो है ही एक तरह से, आप देखें अगर फिनलैंड की सदस्यता को ही ले लें तो फिनलैंड स्वीडन ये दो राज्य थे जो अब तक मिलिटरली नॉन अलाइंड थे। अब उन्होंने पूरी तरह वो नॉन अलाइनमेंट अपना अलग कर लिया है और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेटो में। और यही नहीं, युद्ध के पहले फिनलैंड में एक ओपिनियन पोल हुआ था, वहां सिर्फ 30% जनता तैयार थी नेटो में जाने के लिए, लेकिन वॉर के तुरंत बाद वो प्रतिशत 70 हो गया। और जून में पिछले साल मई में इन्होंने एप्लीकेशन दिया था और अब आके अप्रैल में उनको सदस्यता मिल गई है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड किया गया है, फास्ट फॉरवर्ड किया गया है, सबसे तेज सदस्यता पाने वाला देश है फिनलैंड। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, फिनलैंड के इस आज नेटो में शामिल होने के एक एक कदम को हम आपके सामने रखेंगे।